हेलो एवरीवन दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम टू एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक ऐसा बीस्ट जिसको हम बुलाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जैक्टली होता क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितना आपको इसके बारे में डरने की जरूरत है किस तरीके से पढ़ाई आपको चेंज करने की जरूरत है मैं आपको ये सब आज बताने वाली हूँ इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई चेंज नहीं की है न?

ठीक है, रवि गुप्ता एंड वेलकम टू माई द चैनल वी आर सून गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद अकेडमिक सेशन दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास टेन हिस्ट्री दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ कोई और यूट्यूब पर पढ़ाता नहीं है और आपको मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ के ठीक है चलो सेशन शुरू करते हैं आज का पीपल हु आर न्यू टू दिस चैनल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है सुरभि गुप्ता मैंने बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज डेली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आई हैव बीन एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने पब्लिक पॉलिसी में काम किया है और आप सोच रहे हो कि मैं वेदांतु में क्यों हूँ इसीलिए जस्ट सिंपल रीजन दैट आई लव टीचिंग और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद भी मेरे पास ऑफर्स थे कि मैं कहीं और जाऊँ बट पढ़ाना मुझे इतना अच्छा लगने लगा

नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आप जो हो कितना जो है अपने टेक्स्ट को आपने अंडरस्टैंड किया है है ना फॉर एग्जाम्पल लेट एस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल डेफिनेशन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ठीक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लेट अस से कि पहले क्या होता था तो कुछ साल पहले तक डायरेक्टली वन मार्क आता था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को डिफाइन करो तो आप कहोगे नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई यू नो बिफोर द एज ऑफ वन आउट ऑफ अ थाउजेंड बेबीज इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अब रट के चले जाओगे आप उसको समझोगे नहीं अब क्वेश्चन डायरेक्ट आता नहीं अब क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन आएगा आपको एक टेबल दे दी जाएगी और आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा कि यार बिहार में यू नो इतना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और केरला में काम है तो ऐसा क्यों है इसका क्या रीजन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें क्या दिखाता है समाज समाज के बारे में तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे समाज पे है ना तो क्वेश्चन बदल दिया गया है वही वन मार्क का तो आपको पता है इन्फेंट होता है वो बच्चा जो एक साल से कम का होता है मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु संख्या मतलब कितने बच्चे मर रहे हैं जो एक साल से कम के हैं है ना हज़ार बच्चों में से बस आपको समझ आ गया अब आपको पता है कि अगर किसी भी शहर में ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ज़्यादा बच्चों की मृत्यु संख्या है मतलब वहां का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत खराब है वहां लोगों को शायद नॉलेज नहीं है कि हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव कैसे किया जाना चाहिए बच्चों को कैसा कैसा ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए है ना तो यहाँ ये सब चीज़ें आप इम्पैक्ट समझने लगते हो वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बस ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा जहां पर आपको रटना फोकस में नहीं रखना जहां आपको वर्ड टू वर्ड एनसीआर रटना यही तो आपकी प्रॉब्लम थी ना मैम एस एस टी में, में रटना है भाई रटना हटा दिया कॉम्पिटेंसी पचास परसेंट ऑफ द पेपर है अब आपका है ना यहाँ पर आपको समझना है और समझ आ गया तो भाई कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप आंसर लिख लोगे ठीक है इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे स्पेशली अबाउट द 2025 पेपर सॉरी 2024 पेपर बोर्ड एग्जाम का जो आया था और इसमें कुछ सेट्स में किस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे ठीक है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं तो यूजली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको हिस्ट्री का कोई पिक्चर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसने बनाया या उससे बेस्ड ये क्या दिखाना चाहता है पिक्चर केस बेस्ड क्वेश्चन में कॉम्पिटेंसी आते हैं कभी कभी जो केस आता है वो एनसीआर के बाहर से आता है थोड़ा आपको लॉजिक लगा के आंसर करना पड़ता है रिस्पॉन्स ओरिएंटेड एसर्शन रीजनिंग भाई अलग लग, statement -based question, assertion, reason, question, ये अलग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एसर्शन रीजन क्वेश्चन अलग टाइप ऑफ है जो आपके अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करता है है ना फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो समझ आ गया कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और आपको ये भी समझ आ गया कि उसके बाद जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी करने के लिए जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने यू नो you know, कुछ मेजर्स लिए बट क्या उस उन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई रिलेशनशिप है क्या आपको ये समझ आया या नहीं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को जज करने का प्रयास करता है तो आज आई टोल्ड यू पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन आता है एसर्शन रीजन जहां पर दो स्टेटमेंट्स दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा द स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन राइट right? ग्राफ्स और ये बहुत जरूरी है अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन अभी से सॉल्व करने और समझने शुरू कर दिए तो आपको जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आगे भी लाइफ में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं है ना फिर आते हैं आपके ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट पहले क्या होता था मैं आपको बता दू आप, आप जो किताबी किताबें अभी पढ़ रहे हो वही किताबें मैंने भी पढ़ी थी पर जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे और हम ये ग्राफ जो है इग्नोर करते थे आगे बढ़ जाते थे बट अब ग्राफ पे क्वेश्चंस आएगा फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा कि यार फॉरेस्ट जो है वो एटीन परसेंट से ट्वेंटी थ्री परसेंट हुआ है है ना तो क्या चीज ऐसा चेंज हुआ बिकॉज ऑफ विच देर इज अ चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट राइट मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको थोड़ा मैप जो बुक में दिया गया है उस उसपे क्वेश्चन आ सकता है रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब टेबल दे दी जाएगी टेबल को एनालाइज करो मुश्किल नहीं है बहुत आसान है ना प्रैक्टिस है आराम से हो जाता है हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार पहले क्या हुआ क्योंकि उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है है ना सिविक्स में अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस काफी आते हैं सिविक्स में सर्शन रीजन क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की इमेजिन करो कि आपके दादाजी बेल्जियम में थे इस टाइम पे क्या उनको प्रॉब्लम्स दिखाई दी होंगी अब आपने पढ़ा है क्या नाइनटीन यू नो उस टाइम नाइनटीन फोर्टीज में क्या प्रॉब्लम्स थी आपने पढ़ा है तो आपको बस वही लिखना है इट जस्ट दैट कि उस क्वेश्चन को सिचुएशन बेस्ड करके आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है टू जज कि कैन यू आंसर द क्वेश्चन अगर रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है तो है ना ज्योग्राफी ज्योग्राफी भाई मैं पहले बता दूं ज्योग्राफी जो है बहुत ज़्यादा एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे इस साल बहुत ज़्यादा है ना फॉर एग्जाम्पल लेट्स सोलर एनर्जी पे है ना कि सोलर एनर्जी ट्रॉपिकल हमारे कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आप आपको पता है हमारा कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है काफी धूप आती है तो ऑफकोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर यही क्वेश्चन थ्री और फाइव मार्कर की तरह आया था एंड दैट इज वेन बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार इसके तो हम दो पॉइंट्स रट के गए थे तीन पॉइंट्स क्या लिखे आप रट के जाओगे तो दो ही पॉइंट्स लिख पाओगे है ना तो ज्योग्राफी पे हम इस बार काफ़ी फोकस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स पे इकोनॉमिक्स पे एनसीईआरटी के अंदर ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है आपको कहीं और करने कहीं और से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बट इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी ज्यादा आते हैं अब इसको पढ़ना कैसे तो एज आई टोल्ड यू आपको अभी से अपने पढ़ने का स्टाइल बदलना होगा और अगर आप ये साल के शू सॉरी मेरा दांत निकला है पूरा स्वेलिंग हो रखा है एम श्योर बट कभी कभी दर्द करने लगता है तो आप इसको पढ़ना कैसे है ना अब मैंने आपको पहले भी बोला कि साल के शुरुआत से आप एनसीआर कैसे पढ़ते हो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा है ना फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चैप्टर उठाया पहले आप समझो कि यार ये जो आर्टिकल है ये चैप्टर है ये किस बारे में बात कर रहा है वॉट आर यू स्टार्टिंग फॉर एग्जाम्पल ट्रीटी ऑफ वियना है ना ये कहाँ पर हुआ था कब हुआ था कैसे हुआ था क्यों हो रहा है अगर आपने ये कुछ क्वेश्चन कर लिए तो एन में और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है बाल्कन क्राइसिस कहाँ हुआ था कब हुआ था कैसे हुआ था क्यों हुआ था है ना ये क्वेश्चंस आपने आंसर कर लिया एंड यू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर ठीक है नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है अब यार देखो बहुत सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आपके एनसीआर में है स्पेशली सिविक्स के

अब आपको कहाँ मिलेगा और इफ यू वांट टू हैव अ आईडिया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होता कहाँ तो सीबीएसई के वेबसाइट में क्वेश्चन बैंक में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाम का एक आपको लिंक मिलेगा वहां पर आप जाओगे तो एसएसटी का प्रैक्टिस क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों के मिलेंगे विच यू कैन चेक आउट ऑल ऑफ दीज आर अ लिटिल हाई लेवल क्वेश्चंस। अभी बता दो आपसे होने नहीं वाले दिस यू विल डू इन सेप्टेंबर अक्टूबर वंस योर सिलेबस इज गेटिंग ओवर प्लस मैं आपको जो है हर एक चैप्टर के बाद दस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जरूर कराया करूंगी सो so दैट आप सात सात चैप्टर के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो ऑल आई वॉन्ट यू टू डूज मुझ पर भरोसा रखो साल के शुरुआत से जो मैं सेशन करा रही हूँ साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ उसको नोटबुक में लिखते रहो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में वीकवेस्ट जो मैं कराती हूँ उसको अटेंड करो है ना बाद में अटेंड कर रहे हो तो वीक्वेस्ट ट्राई करो बट क्वेश्चन मेरे साथ साथ करते रहो आपका हफ्ते का मैं तीन से चार घंटा ही लूँगी बट आपका पूरा सिलेबस अलोंग विद ऑल क्वेश्चन में आपको पूरा पुर खत्म करा दूंगी बाई सेप्टेम्बर अक्टूबर ठीक है जो मेक श्योर दैट यू Follow me and you follow this channel. सो दैट इज इट फॉर टूडे गाइस इसके अलावा अगर आपको हर एक चैप्टर के एन सी आर टी सोल्यूशन चाहिए है नॉर फॉर एनी रीजन दैट इज ऑलरेडी अपडेटेड इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में वो जो शीट है वहां पर ऐसी आपको हम लोग रेगुलरली शीट देते रहेंगे जहाँ हर एक चैप्टर के वीडियो नोट्स यू नो सारे एक्सप्लेनेशन कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस दिस शीट ठीक है सो मेक श्योर दैट इज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन फ्री नोट्स एज वेल सो दट इज इट गाइज आई होप आपका का सेशन अच्छा लगा वीडियो को थम्सअप दे देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास